Uncle. बॉलीवुड जगत के जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के पदाधिकारियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की बात नकार दी है। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ शूटिंग रोकने की बात पर शिकायत अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पहले यह अफवाह उठाई गई कि गणेश आचार्य ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में लिखित रूप से शिकायत दी है कि फेडरेशन के ट्रेजरर गंगेश्वर श्रीवास्तव और महासचिव अशोक दुबे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज इस मामले पर फेडरेशन के अंधेरी स्थित मुख्य कार्यालय में दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसमें फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने स्पष्ट किया कि फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारी ने धमकी नहीं दी, बल्कि मजदूरों और डांसरों को पैसा न देने वाले कोरियोग्राफर गणेश आचार्य से उन मजदूरों के मेहनत का पैसा मांगा जा रहा है जो वह नहीं दे रहे। गणेश आचार्य का हम सम्मान करते हैं, मजदूरों के मसले पर पहले भी फेडरेशन से लिखित माफी मांग चुके हैं। मजदूरों को मेहनताना ना देना पड़े इसलिए फेडरेशन के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गणेश आचार्य ने अपने पक्ष में कहा कि फेडरेशन उन पर दबाव डाल रही है। जिन किसी मजदूरों का डांसरों का पैसा बाकी है वह उनसे संपर्क करें। वहीं मजदूरों का पक्ष जाने तो उनका कहना है कि गणेश आचार्य किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते। आइए सुनते हैं सबकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। दरअसल ऐसा है कि मैं बीएन तिवारी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का जान से मारने की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। गणेश आचार्य एक बहुत माने जाने कोरियोग्राफर हैं और हमने उनके उस समय को भी देखा है जब उन्होंने करियर को शुरू किया था। काफी सपोर्ट रहा उनके साथ हमारा और एक अच्छे इंसान के तौर पर भी रहे। पता नहीं अचानक उनके मन में कौन सी बातें आ जाती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जब पैसा आ जाता है आदमी के पास तो उसका ईगो बढ़ जाता है। हमें अफसोस है कि इतना सब होने के बावजूद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके नॉलेज में एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 2006 में इसी तरह की कुछ बातें हुई थी फेडरेशन के खिलाफ और जिसके लिए उन्होंने माफीनामा दिया है, जो अभी हमारे पास पेपर में आपको दिखा देता हूं, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनली माफी मांगी है। हमारा मकसद उनको माफी मंगवाना नहीं है। उन्होंने एक वॉइस और वीडियो वायरल किया था जिसमें ये था कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं। हमारी भी नई कमेटी आई है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ अपने मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जब ये बात हमारे तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो उनको हमने मैसेज दिया, लेटर दिया कि आप इस तरह की बातें न फैलाएं। और दूसरी बात कि सीडीए एक है और उसको एक रहना चाहिए, हमारे ही कंपाउंड में रहते हैं लोग, उसको दो टुकड़े में मत कीजिए। ये हमने एक रिक्वेस्ट करके उनको एक लेटर भेजा कि मास्टर जी आप एक
सीनियर पर्सन है, आपकी ड्यूटी बनती है कि हर वर्कर को लेकर चलें, किसी एक से यदि आपको तकलीफ है तो उसको दूर किया जा सकता है, फेडरेशन के साथ बैठ करके बात करें, हमें बताएं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। उनका कहना है कि भाई मैं फेडरेशन के पास क्यों जाऊं, जब आप फेडरेशन के साथ अफिलिएट हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है और फेडरेशन के पास वो ताकत है कि सीडीए को जब चाहे तब अपने साथ रखे, जिस पदाधिकारी को चाहे उसको उसके एसोसिएशन में रहने दे, नहीं तो उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन या किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। हमने वो सारी चीजें नहीं की, हमने इंतजार किया और सिर्फ इतनी सी बातें नहीं थी, बहुत से मजदूर आज, बहुत से लाइट के खाना सप्लाई करने वाले के डांसरों के पैसे बाकी थे कि ये लोग आपके सामने जो दिख रहे हैं लोग खड़े हैं, हम चंद लोगों को यहाँ लाए हैं, कम से कम 70-80 लोग आए हैं मजदूर हमारे पीछे जो बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं, वो सबके 2 साल से पैसे बाकी हैं। जिस पिक्चर की बात आप करते हैं कि मैं सिर्फ कोरियोग्राफर था या मैं सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था डायरेक्टर था, उसमें आपके हर जगह पर हमको पेपर है जिसमें आपका नाम है, शरद सलाल एंड गणेश आचार्य निर्मित के सारे नाम लिखे हुए हैं, बुकलेट से लेकर के गूगल तक आप जाइए चेक कीजिए, भिखारी मराठी पिक्चर का, उसमें हर जगह आपका नाम है। और आपने यदि आपका नाम नहीं है, आप प्रोड्यूसर नहीं है, तो आपने चेक क्यों दिया? आपने चेक दिया, चेक देकर के आप बाउंस करा देते हैं उसको, मतलब कि स्टाफ पेमेंट करा देते हैं, और सबसे बड़ा अपराध की बात है कि आप बैंक से चेक भी वापस ले लेते हैं। जो बैंक को हमने लेटर लिखा तो उसने लेटर दिया कि भाई गणेश आचार्य के कहने से हम उनको वापस कर दिया, जबकि हम उस पर चाहें तो एक्शन ले सकते हैं बैंक के ऊपर कि आप कैसे किसी को दे सकते हैं। उसके बाद आप झूठ बोल करके अम्बोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन लोगों का नाम लेते हैं, अशोक दुबे, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव हमें जान से मारने की बात कर रहे हैं, उनसे हमारे जान को खतरा है। ये मीटिंग हमारी हुई थी आज से 4-5 दिन पहले, शरद सलाद दादा ने ये मीटिंग अरेंज कराई थी, हम लोग बोल रहे थे तो बोले यार देखो सब सारी चीजें मिलकर बैठ कर बात कर लेते हैं, नॉन कोऑपरेशन के लिए हमने दिया है कि यदि आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे वर्करों के पेमेंट के क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि 2 साल से पैसे बाकी हैं, आप एक एक आदमी को देखें ऐसी हालत है कि आज नहीं काम करते हैं तो कल वो खाना नहीं खा सकते। इस कंडीशन में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फेडरेशन का पदाधिकारी होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि मैं उन लोगों को जवाब तलब करूं जिनके यहां पैसे हमारे मजदूरों के, हमारे वर्कर के, हमारी अपनी फैमिली के लोगों के बाकी। इसके लिए उनको लेटर लिखा है कि आप इसका जवाब दीजिए, किसी भी लेटर का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक वीडियो वायरल कर दिया कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं, वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं। जब हमने उनको बुलाया, उनको लेटर दिया कि साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने एक कोर्ट में केस कर दिया। इस बात का जितनी प्रॉब्लम हुई है उसको मैंने ऑलरेडी सारे प्रोड्यूसर बॉडी को भेजा, सबको बकायदा लेटर भेजा, और आज तक इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हमारी यहां पर नियुक्ति किसी और काम के लिए, यहां कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हुई है, हमें न्याय करने के लिए अपने वर्कर के अधिकार को, फेडरेशन की संरचना जो की गई है, आज 70 साल पुरानी फेडरेशन सिर्फ अपने मजदूरों, अपने वर्कर, अपने टेक्नीशियन के अधिकारों के लिए लड़ती है, खुद के लिए कुछ नहीं लड़ती। हम 3 आदमी जो यहां बैठे हैं हर तरीके से संपन्न है, हर काम को कर चुके हैं, हमें फेडरेशन से 10 रुपए नहीं चाहिए। हमने अपनी छवि बनाने के लिए प्रोड्यूसर को पहले बैठे ही लेटर दिया गया कि हम किसी की शूटिंग को नहीं रोकेंगे। प्रोड्यूसर ने बोला कि जहां भी आपको दिक्कत लगती है हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम डिफरेंसेस के बाद आज प्रोड्यूसर बॉडी हमारे साथ खड़ी है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी एक की गलती से प्रोड्यूसर का काम नुकसान हो, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो कोई लेना देना नहीं, यदि टेक्नीशियन टेक्नीशियन के पैसे खा जाते हैं तो उसको हम रोक रहे हैं ना,
प्रोड्यूसर का तो इसमें कुछ भी लेना देना लेकिन नहीं। तिवारी साहब आपने भी एक जवाब दिया कि हम किसी की शूटिंग नहीं रुकवाते। अभी मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले ही आप गणेश आचार्य की शूटिंग पर गए थे और आपने शूटिंग रुकवाई थी, उसके अगेंस्ट में आपको चेक दिया गया था, तो आपने उस केस को फेडरेशन के ऑफिस में बुला के क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश की सर? हमने उनको बार बार बुलाया और उन्होंने जब चेक दिया तो ये बोला था कि ये चेक क्लियर होगा, उसको स्टाफ पेमेंट करके उसी चेक को उन्होंने वापस ले लिया। टीपी अग्रवाल ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी, ये बात हमने टीपी अग्रवाल को भी बोला कि सर इसी इस तरह की बातें हो रही हैं। मजदूर खुद गए थे, मजदूर फेडरेशन नहीं गई थी। आप बोल दीजिए सर, आप क्या बोल रहे सर? शूटिंग किसी फेडरेशन ने नहीं रोका था, मजदूर खुद गए थे, 2 से 2.5 साल हो गया था, लोगों का पेमेंट बाकी था, तो मजदूर खुद गए थे, उन्होंने एक लाइट वालों का और एक सेटिंग अलाइट मजदूर यूनियन का चेक दिया था, एक 10 लाख का, एक 6,67,000 का उन्होंने चेक दिया था, जो कि चेक एक चेक स्टाफ कर दिए, वो चेक लाइट वालों का मिला और बाकी का एक एक्सिस बैंक का जो यूनियन के नाम पे दिए थे, उन्होंने बैंक में अपनी पावर को बताते हुए किसी तरीके से या वहां के लोगों को गुमराह करके चेक उन्होंने जो कि चेक एसोसिएशन को मिलना चाहिए उनको मिला और वो ले लिए। फिर हम लोगों ने बैंक को लेटर दिया तो बैंक ने हमें राइटिंग में लिख के दिया कि हमसे मिस्टेक हो गया, हमने वहां पे चेक दिया हुआ है। ऐसा कोई प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसने पेमेंट नहीं दिया। एक इकलौता डांसर मास्टर है जिन्होंने की वर्कर को इतना परेशान किया जो बेस्ट से लेके इनको अर्थ तक पहुंचाया, ऐसा कर इनको शोभा देता है क्या? नहीं देता है ना, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम लोग का पेमेंट दे, बात खत्म कर, और कुछ नहीं किया। कितनी पेमेंट रुकी आपके? मेरे 13 शिफ्ट की पेमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक में किया, अभी तक पेमेंट नहीं मिला, 2 साल हो गए, कहाँ से खाएंगे? हम लोग का तो रोज का कुआं खोदना पीना खाना है सब वही है ना, कहीं से और से तो आता नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की? करते ही नहीं, ऊपर से धांधली गुंडागर्दी एनसी कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? एक तो देना लेना नहीं, काम करा के आउटिंग में छोड़ दिया हम लोग को, तो देना चाहिए ना उनको, ये कर्म क्यों कर रहे हैं बिना मतलब का? वहाँ पैसा दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, वहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग को देना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारा राइट, हमारा पेमेंट दे, नहीं तो उनको बैन करेंगे। कितने लोगों का पैसा रुका हुआ है? हम लोग सेटिंग में 6 दिन थे एक्स्ट्रा वालों को छोड़ के, अभी तक नहीं दिए हैं। जो पैसा वहाँ खर्चा कर रहे हैं हम लोग को नहीं दे सकते, निपटा नहीं सकते? कौन सा इतना लाख 2 लाख का पेमेंट है? 13-13, 15-15 शिफ्ट का पेमेंट है तो वो तो दे देना चाहिए ना, मारने की धमकी नहीं दी मुझे गंगेश्वर ने, अशोक दुबे ने और बी एन तिवारी ने, ये बोला है कि आप शूटिंग कैसा करोगे, आप शूटिंग कर नहीं सकते, ये धमकी दी, इसलिए मैंने कंप्लेंट ला। हमने अभी ऊपर जो ये बाइट की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, उन्होंने ये बोला है कि आपने कंप्लेंट में ये लिखवाया है, पुलिस में उनको बुला के ये बात कही गई है कि मास्टर जी ने ये कंप्लेंट डाली है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आप कंप्लेंट देख लो, उसके बाद ऐसे कंप्लेंट ले देंगे। और सर कुछ पेमेंट रुकने का चक्कर है कि आपने? तो मेरे पास शरद शेलार जो है प्रोड्यूसर भिखारी का, शरद शेलार भिखारी का जो प्रोड्यूसर है उसका लेटर है मेरे पास कि वो प्रोड्यूसर है वो पेमेंट करेगा, और इन लोगों ने बार बार आके मेरी 2 बार शूटिंग रोकी, 102 के नोट अमित जी और ऋषि कपूर की तरह शूटिंग रोकी, ऋतिक रोशन की तरह शूटिंग रोकी, और मेरे सब पड़ोसों को भेजा, जबकि इनकी मेरी बात हो गई थी अशोक दुबे शरद शेलार की कि शरद शेलार पेमेंट करेगा, तब शरद शेलार पेमेंट करेगा तो मुझे बार बार धमकी देकर रोक क्यों रहे जबकि मैं उसमें डायरेक्टर हूँ? ये बात क्लियर हो चुकी है, मेरे पास लेटर है, मैं आपको लेटर दे सकता हूँ शरद शेलार का, मेरे पास डांसरों का लेटर है, सबका लेटर है कि मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी अगर वो टेक्नीशियन ऐसा बोलते हैं कि पैसा वगैरह मेरे पास आए मिले, शरद शेलार को मिले, हम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सी धमकी दे रहे हो कि आप कैसा शूटिंग करते देखते? सिर्फ मैटर इतना है कि मैं डांसरों को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सीनियर डांसर एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, इनके इलेक्शन में इनके जो अभी 15 तारीख को चिंक के आए इनको हेल्प कर रहा हूँ, तो वो डांसर को हेल्प करने के चक्कर में कर रहे हैं। मैं भी एक डांसर हूँ, इट इज़ उनका मेंबर, मैं डांसर को सपोर्ट करूँगा। आज इन लोगों ने डांसर्स की 2 यूनियन कर दी, ये जो 70 साल से यूनियन बन रही है इसको छोड़ के 1.5 साल पहले इन्होंने किसी और 200 डांसर्स बना दिए जो अलग यूनियन के, तो वो तो इन्होंने ब्रेक किया है, लेकिन ये डांसर्स अपनी हक की लड़ाई, अभी जैसे एक डांसर शमशाद यहाँ पे, इसको जान से मारने की धमकी दी, ये बताएगा आपको? गोलमाल के सेट पे आए थे इन लोग, गोलमाल के सेट पे इन्होंने शूटिंग रोकी थी, उसके बाद मेरे को फेडरेशन ने बोला कि आप ये करो, तो मैंने चलो अच्छा जान दो ठीक है, उस वक्त कुछ हुआ था मैंने सॉरी बोला, लेकिन इस वक्त मैं सॉरी नहीं बोलने वाला किसी चीज में, मैं गलत हुई नहीं, मैं जो लड़ रहा हूँ वो सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, हक के लिए लड़ रहा हूँ।
सर की बात करते, एक मिनट भिखारी की बात करते, उसमें शायद आपका नाम है निर्माता में, कुछ पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है तो नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आप सब जो भी भिखारी की बात करनी है ना, चेक का ये वो सब शरद सेलर से करो। शरद सेलर प्रोड्यूसर है, मैं आपको लेटर दे दूँ अभी उसका, शरद सेलर का लेटर है मेरे पास, वो प्रोड्यूसर है, मैं डायरेक्टर हूँ। अभी प्रोड्यूसर है डायरेक्टर पेमेंट भरेगा क्या? नहीं, उसमें निर्माता में आपका नाम नहीं, निर्माता ये शरद सेलर ने, उसमें दालावा को प्रोड्यूसर, लेकिन एग्रीमेंट में शरद सेलर प्रोड्यूसर है, शरद सेलर पैसा देगा लिखा हुआ है। अगले जी कुछ चेक टू की शूटिंग 3 घंटा इन्होंने शूटिंग मेरी रोकी थी, मैं इनको रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि मेरी शूटिंग मत रोको, रोको मुझे मजबूरन शूटिंग स्टार्ट करने के लिए चेक दिया, और मैंने उसे बोल भी दिया था कि मैं चेक में पास नहीं करूंगा, आपको जो करना है। पिछले केस में